दोस्तों जयप्रदा और श्रीदेवी अपने समय की टॉप अभिनेत्री थी। दोनों की खूबसूरती और एक्टिंग के दीवाने आज भी कम नहीं है। जयप्रदा और श्रीदेवी ने कई फिल्मों साथ काम किया, लेकिन दोनों का निजी रिश्ता बेहद ही खराब था। दोनों उस दौर के कंपटीटर हुआ करती थी। जयप्रदा और श्रीदेवी दोनों ही पहले साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, और जब बॉलीवुड में डेब्यू की बात आई तो दोनों एक ही साल बॉलीवुड में कदम भी रखा। दोस्तों जितेंद्र के साथ जयप्रदा और श्रीदेवी दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। दोस्तों कुछ फिल्मों में तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया है। ऐसे में फिल्म के सेट पर दोनों का बात न करना जितेंद्र को खलता था। दोनों के बीच किसी तरीके से दोस्ती करवाने की उन्होंने फिल्म मकसद के दौरान एक तरीका निकाली। दोस्तों जितेंद्र ने जयप्रदा और श्रीदेवी को एक ही कमरे में एक घंटे के लिए बंद कर दिया। उन्हें लगा था कि दोनों को जब कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा तो शायद कुछ बात बने, लेकिन ऐसा ना हो सका। दोस्तों जब जितेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनकी दोनों स्टार्स की कुर्सी पर एक दूसरे मुंह फेर बैठे। यह देखकर जितेंद्र को बहुत पछतावा हुआ। उनकी कोशिश तो रंग नहीं लाई, उल्टे वक्त भी बर्बाद हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर कभी दोनों के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों भले ही जया और श्रीदेवी निजी जिंदगी में एक दूसरे को नहीं सुहाती थी, लेकिन इसका असर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइफ पर नहीं होने दिया। दोनों ने साथ मिलकर तोहफा औलाद, मैं तेरा दुश्मन, मजाल, नया कदम आदि फिल्मों में काम किया। दोनों के रिश्तों को ठीक करने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन श्रीदेवी और जयप्रदा कभी दोस्त नहीं बन सके। दोस्तों जयप्रदा के करीबी अमर सिंह ने भी दोनों को मिलवाने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे। दोस्तों आखिरकार दोनों की दोस्ती जयप्रदा के बेटे सिद्धार्थ की शादी के समय 2015 में हुई। जयप्रदा ने श्रीदेवी को अपने बेटे की शादी में बुलाया तो श्रीदेवी ने सभी गिले शिकवों को भूलकर मुंबई से हैदराबाद शादी अपडेट करने पहुंची थी। शादी में दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखी गई थी। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो नीचे लाल बटन के दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करके अपना राय हमें ज़रूर बताएं।